सोच समझ के टाइमिंग में, वरना बवंडर आएगा बवंडर। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल आओ। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो थाराबाई जोगिंदर के जो है पार्ट का जो कंटिन्यूशन, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे ये जो है पवंडर लेके आया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यार नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो जरूर जाके प्लीज देख लेना। और हाँ, वीडियो को यार प्लीज पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार हो गया है, आप जरूर एक बार जाके देख लेना। खैर, आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बंदा जो है और क्या क्या कहता है यूट्यूबर्स के बारे में, यानी हमारे बारे में। ठीक है, तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल रोड टू रोस्ट, एंड दिल थाम के बैठ जाएगा और अपने साथ पॉपकॉर्न वगैरह जो भी आप लेके बैठ जाते हो वो सब आप लेके बैठ जाएगा। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। बोल देना कैरी मिनाटी को, कैरी मिनाटी को नहीं, सारे के सारे छपरी यूट्यूबर को, सारे आ जाइयो, एक एक करके बजाऊंगा, एक एक करके देख लूंगा कौन सा यूट्यूबर है इस बार। खैर गाइस, ये सुनने के बाद है ना, मैं बस इससे एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस बार यूट्यूब रहेगा या थाराबाई जोगिंदर। Stop it. Get some help. यूट्यूब बंद कराना ये वाला, सारे भाइयों से यही कहूंगा, जितने भी वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को छपी चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। यूट्यूबर के मुंह पे फेंकना, क्या 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 क्या, मुझे एक बार फिर से सुनना है प्लीज, एक और बार बताओ। यूट्यूबर के मुंह पे फेंकना, ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। खैर गाइस, आगे जाके देखते हैं कि हमारे बारे में यानी यूट्यूबर्स के बारे में क्या बोलते हैं ये भाई साहब, लेट्स गो एंड सी। और सारे मिल जाओ, जितने भी इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, इनका यूट्यूब बंद कराना भारत से, आ जाओ, आ जा, आ जा। अरे थाराबाई जोगिंदर भाई साहब, अगर आप अपना दुकान बंद करना चाहते हो तो भाई बेशक कर लो, वीडियोस बनाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई बाकी इंस्टाग्राम रील्स को तुम क्यों बोल रहे हो कि उनके दुकान भी आप बंद करना चाहते हो? यार सीरियसली मैं बताऊं, अगर बाकी इंस्टाग्राम रील्स अगर कोई देख रहा है ना, प्लीज यार मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इसके बाद में आके और आपने इसके बाद में आके सपोर्ट भी किया, देखो मानता हूं कि ये सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई अगर आप अपना दुकान बंद करना चाहते हो ना, तो बेशक इसको सपोर्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, जैसे टिकटॉक का हाल हुआ था ना, वैसे ही इंस्टाग्राम का भी रील्स का हाल ऐसे ही होने वाला है। अरे ओ कैरी मिनाटी ट्रिगर इंसान, कान खोल के बात सुन लियो, जो तुम्हारी डिंडोरा वेब सीरीज आ रही है ना, डिंडोरा पेट दूंगा, निकालो अपनी डिंडोरा वेब सीरीज, देखता हूँ कितने बड़े 30 मार खा रहे हो तुम, कुत्तों की फौज आ रही है एक साथ, पहली बार यूट्यूब पे डिंडोरा वेब सीरीज आ रही है, कुत्तों की फौज। भाई मुझे एक चीज बताओ, तुमको क्या लगता है कि यार ट्रिगर इंसान या कैरी मिनाटी या बड़े बड़े यूट्यूबर्स या जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे से लेके बड़े यूट्यूबर्स तक, तुम्हारे ऐसे कहने से उनको कुछ फर्क पड़ता है या हमको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। सारे के सारे छपरी यूट्यूबर, अरे कान खोल कर बात सुन लियो, जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर मस्त नाम है रे। Hey, I can look at this. तब तक मार्केट के अंदर है ना, तुम अपनी वेब सीरीज रिलीज करके दिखा दियो, चक्का चक्का जाम करा दूंगा पूरे NCR का, पूरे भारत में ना चक्का चक्का जाम होगा अगर तुम्हारी वाली वेब सीरीज रिलीज हो गई तो गलती से। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। कान खोल के बात सुन लियो, कैरी मिनाटी क्या बोल रहा था तू, एक बार अपनी वाली वीडियो देखिए, देख एक बार। ओ कैरी मिनाटी के कह रहा था, कहा कह रहा है, कहा दिक्कत है? अरे मैं तेरे को एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार, ओ कैरी मिनाटी के कह रहा था, कहा कह रहा हूँ, सुपारी निकल के बात कर रहे बाबा, कहा दिक्कत है? अरे इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। अरे ओ अपने घर भाग जा, बोरिया बिस्तर ठाके, समझ में आ गई, वरना बना दूंगा तेरे को इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर। तू है क्या रोस्ट के मामले, मेरे को ये बता, गाली बक बक के तू फेमस हुआ है, तू यूथ को ये दे रहा है? अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना, विदाउट गाली ओपन रोस्टिंग माजी है, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ,
तेरी क्या कर लूंगा जहाँ तू मेरे को कहेगा। रद्दी वाला है तू। ये भाई साहब यहाँ तक नहीं रुकते, इसका और भी बहुत कुछ कहना है यूट्यूबर्स के बारे में, और ये सब सुनने के बाद है ना आप सिर्फ एक ही चीज कहोगे, समझ में आ गई? डिंडोरा जो तुम्हारी वेब सीरीज आ रही है ना, कुत्तों की फौज आ रही है, कुत्तों की फौज। अदेव खड़ा शेर, अगर मेरा क्वेश्चन सही था, ये क्या है? अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दियो, निकालो तुम, रिलीज करो अपनी डिंडोरा वेब सीरीज। मैं देखता हूँ तुम कितने बड़े यूट्यूबर हो, छपरी यूट्यूबर, माँ की कसम खा रहा हूँ। अगर फ्लोप ना करवा देना तुम्हारी डिंडोरा वेब सीरीज तो नाम बदल दिया थारा भाई जोगिंदर, समझ में आ गया? मस्त नाम है रे। आ गई, रात को सोओगे ना तो बवंडर नजर आएगा, बवंडर, अरे बवंडर आएगा। ट्रिगर इंसान, तेरे को समझाया था पिछली बार भी, पर बेटा तू माना नहीं, अब तेरे को बताएगा थारा भाई जोगिंदर की पावर क्या है। अपनी रिलीज करो वेब सीरीज यूट्यूब के अंदर, रेटिंग डाउन ना करवा देना बेटे, जो भारत है, समझ में आ गई? तुम लोगों ने धंधा ढूंढ रखा, धंधा धंधा क्या, रोस्टिंग मारने का गाली। अरे भाई मुझे एक चीज बताओ यार, तुमको क्या लगता है कि यार तुम सारे वीडियोस जो है डिलीट कर दोगे, सारे के सारे जो जितने भी यूट्यूब में है, यार तुमको क्या लगता है कि यार हमारे माथे पे सी लिखा है क्या यहाँ? गाइस यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं होता है, और भी आगे कुछ बोलने वाले हैं, चलो आइए सुनते हैं। गाली देने का, अरे तुम्हारी औकात का इंडिया में मेरे को पहली बात तो ये बता, अरे कैरी मैटी कौन सी तोप है मेरे को ये बता, ओ ट्रिगर इंसान लुगाई सी शकल के, क्या ये कैरी मिनाटी बता मेरे को, ये अपने घर का कैरी मिनाटी है, समझ में आ गई? अगर तू इसको मानता है ना, ये तेरा बाप होगा, थारा भाई जोगिंदर के सामने बच्चे है, जाकर पानी पियो, समझ में आ गई? जो तुम ये कर रहे हो ना, कर क्या छोड़ दिया मैंने आपसे 2 साल पहले, समझ में आ गए? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। समझ में आ गई नहीं? बच्चे जैसी बुद्धि है तुम्हारी, तुम बवंडर से भिड़ोगे हैं? अरे अगली बार सोच समझ के रिप्लाई करना मेरे ऊपर, हो कैरी मिनाटी, ओ ट्रिगर इंसान, कान खोल के बात सुन लियो वरना करियर खत्म कर दूंगा सोशल मीडिया पे, तय टीआरपी डाउन कर दूंगा, बच्चा बच्चा तुम्हारे मुंह के ऊपर थूकेगा। यार मुझे आज तक एक समझ नहीं आया कि यार ये बंदा जो है चिल्ला चिल्ला के क्यों बात करता है, लेकिन यार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको भी पता होगा कि ये वीडियो जो है क्यों बनाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ फेमस बनने के लिए। देखो भाई फेमस बनो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, लेकिन ये जो है ट्रिगर इंसान, कैरी मिनाटी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स का तुम नाम लेते हो ना, ये तो सिर्फ एक फेमस बनने के लिए ट्रिक है, और ये हम सब लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे माथे पे ना तुमको क्या लगता है कुछ लिखा है? सी लिखा है क्या यहाँ? तुम लोगों ने धंधा बना रखा है यूट्यूब पे रोस्ट मारने का। अबे तुम लोगों ने आज तक विदाउट गाली कोई रोस्ट किया है? तुम लोग पब्लिक को क्या संदेश दे रहे हो? ऐसी रोस्टिंग हमारे भारत में ना कोने कोने पे कर लेगा कैरी मिनाटी, कान खोल के बात सुन लियो औकात में, तमीज में, वरना ना तू क्या करेगा रे? बवंडर आने में टाइम नहीं लगेगा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ सारे के सारे छपरे यूट्यूबर को, वरना आज ही रोस्टिंग में तुम्हारा बाप और मामले में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। समझ में आ गई नहीं? जितना तुम खा रहे हो ना पर डे उड़ा रहा हूँ उतना, अगर वो का चेक करनी हो ना अपने पड़ोसियों से जाकर पूछ लो थारा भाई जोगिंदर कौन है, और कैरी मिनाटी तेरे को ये नहीं जानते हमारे पड़ोसी कि कैरी मिनाटी कौन है, बनेगा? अरे भाई मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ यार, कैरी मिनाटी के बारे में ना पता करने के लिए पड़ोसन से नहीं पूछना है, उसकी जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है यार, मोबाइल में जा और गूगल में सर्च मार कि वो इज कैरी मिनाटी। अगर तुमको ये भी पता नहीं है ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये देख लो। तू यूट्यूबर, घंटा का यूट्यूबर है, आज ये थारा भाई जोगिंदर, क्या कर लूंगा तुम्हारी एक एक छपी यूट्यूबर की। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है किसी को भी हर्ट करने के लिए, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना, और गाइस चैनल में नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर क्लिक करना, वो जो लाल वाला बटन है उसको जरूर क्लिक करना, और साथ ही साथ उसके बगल में आपको एक बेल आइकॉन मिलेगा जो घंटा का सिंबल है, उसको जरूर क्लिक करना, क्योंकि उससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता है मेरे अगले वीडियो का। जैसे ही आप सब्सक्राइब क्लिक करते हो ना उससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस वीडियो बंद करने से पहले मैं बस आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय मेरे वीडियोस देखने के लिए दिया।
सो तब तक के लिए गाइस मैं मिलता हूँ एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।